अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लीनियर अलजेब्रा मैथ 209 लेक्चर नंबर 8B, 8A के बाद ये बी पार्ट है। तो ये भी ज़रा लेंथी होगा, लेकिन यह है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह से आराम आराम से आपको कराऊं कि आपको फॉलो करना इजी हो जाए, बल्कि अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाए। तो अब ये शुरू करते हैं। वैसे तो ये स्लाइड 1 है, लेकिन एक्चुअली ये आपके पास जो है बाद की स्लाइड है। ये वही स्लाइड है जहां पे मतलब है ए पार्ट खत्म हुआ था, उसके अगली है। अब वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स। आइए जरा फिगर्स को समझें, पहले नीचे देख लें। वो कहता है W1 W2 आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, ये वर्ड नहीं है, और कंपोनेंट्स ऑफ यू। देखें कंपोनेंट्स को पता ही है, एक वेक्टर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल का हमने कहा था अगर ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं तो ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही चीज है, इसलिए लिखा हुआ है एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब वो देखते हैं वो कैसे कह सकता है कि W1, W2 जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हैं या कंपोनेंट्स ऑफ यू हैं, क्यों के परपेंडिकुलर हैं। पहले देखें क्या परपेंडिकुलर हैं, ये देखें, ये W1, ये W2, एंगल 90 डिग्री, ये W1, ये W2, एंगल 90 डिग्री, ये W1, ये W2, एंगल 90 डिग्री। फिर उसने कहा कंपोनेंट्स ऑफ यू, क्या वाकई यू के कंपोनेंट्स हैं। ये देखें यू रिजल्टेंट वेक्टर है, W1 और W2 उसके कंपोनेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट आप यू से पहुंच सकते हैं या कंपोनेंट्स के थ्रू पहुंचे। पहले यू ट्रेवल करें फिर ऐसे कर ले, यहां से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं या फिर आप कंपोनेंट्स के थ्रू पहुंचे। यहां भी ऐसे ही है, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स के थ्रू पहुंचे। और इन ऑल थ्री फिगर्स वी हैव यू इज इक्वल टू W1 प्लस W2। यू जो है दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ W1 एंड W2 बिकॉज W1 W2 दे आर कंपोनेंट्स ऑफ यू। W1, W2, they are components of U. अब मजीद इसमें देखें, हमने ये चीज भी देखी थी कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरल होते हैं और सेम लेंथ के होते हैं तो यहां पे इसका मतलब होता है दोनों वेक्टर सेम होते हैं। आगे जाके चांस बना मैं मजीद इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन एज लॉन्ग एज टू वेक्टर्स दे आर पैरल या सेम इन डायरेक्शन कह लें, सेम इन डायरेक्शन और उनकी लेंथ भी सेम है तो दोनों वैक्टर सेम होते हैं। इसलिए अगर ये W2 है तो ये भी W2 है। असल में तो ये था, ये W1 था, ये W2 जो परपेंडिकुलर था, अब ये W2 है तो इधर भी ड्रा हुआ है। इस तरह से ये था, ये W1 था और ये W2 था और इसके पैरल यहां ड्रा हुआ है। फिर इसके अलावा यहां पे देख लें, ये W2 था, ये भी W2 हो गया और ये W1 था। अब आगे चलते हैं, फिगर्स को भी मैं ऐसा ऐसा ही क्लियर कर रहा हूं। फिर वो कहता है W1 इज अलोंग ए। देखें W1 ये वाला जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ए के अलोंग है। एक और वेक्टर है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ था, ये देख लें, ये जो शो किया हुआ है ना यहां से ए, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्मॉल ए वेक्टर मौजूद है और W1 इज अलोंग ए। अलोंग ए का मतलब है कि उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जिस पे के ए लाई कर रहा है। W1 इज अलोंग ए, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है। यहां पे देख लें W1 की डायरेक्शन लेफ्ट को जा रही है, ए की राइट को जा रही है, इधर दोनों की राइट को जा रही है, इधर भी दोनों की राइट को जा रही है। ए की लेंथ W1 से बड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और ए की लेंथ W1 से कम भी हो सकती है। अब उस चीज को आप रिकॉल करें जो मतलब है कि मैंने आपको पहले करवाई थी, कौन सी भला, जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाई थी कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं पैरल होते हैं या सेम लाइन पे लाई करते हैं तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, पैरल होते हैं या सेम लाइन पे लाई करते हैं तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। वो स्लाइड 6 थी, लेक्चर 8A की स्लाइड 6 में मैंने बताए थे। अब ये आप देख लें, क्योंकि W1 और A एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, बेशक डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, W1 और A एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, बेशक डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, यानी कि W1 होगा KA। W1 अलोंग A है तो इसका मतलब W1 इज इक्वल टू KA। W1 को अंडरलाइन करें, A को भी अंडरलाइन करें, K जो है स्केलर है या रियल नंबर है, उसका मल्टीपल है। तो इससे ये चीज पता लगती है कि अगर K पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों कौन, W1 और A, ये देख लें। अगर K नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन W1 और A क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अब वो W2 को कहता है परपेंडिकुलर टू A, वो तो नजर ही आ रहा है। W2 क्यों A के परपेंडिकुलर है, क्योंकि W2 W1 के परपेंडिकुलर था और W1 जो था अलोंग A था। सिंपल वर्ड में बता दिया, W2 A के परपेंडिकुलर है, W2 A के परपेंडिकुलर है, ये W2 ये भी A के परपेंडिकुलर है। W1 को आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, वैसे तो W1 जो है कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए, लेकिन हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए। इसी तरह से यहां भी देख लें, ये W1 जो है इसको भी हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए।
यहां पे भी देख लें डब्ल्यू वन प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए। अब देख लें, जो मैं बार बार कहता हूं, जो मुझे बड़ी तकलीफ होती है ऑनेस्टली और दुख होता है जब लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है। अब क्योंकि रियल लाइफ से इसको लिंक नहीं किया जाता है, रियल लाइफ से क्योंकि लिंक नहीं ना बताया जाता, और फिर पता होता कि पता नहीं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आना है, तो परे मारते हैं, वो चीज करने की कोशिश करते हैं जिससे जी एग्जाम में आ जाए तो चार नंबर मिल जाए। ये देखें, जब प्लेन टेक ऑफ करता है इस तरह से, तो उसका साया ऐसे जाता है, यूं टेक ऑफ करता है तो साया यूं जाता है, और खुदा ना करे आगे कोई पहाड़ आ जाता है तो फिर वही साया यूं जाता है और यहां टक्कर ही बच सकती है, जो कि हुई है, अल्लाह माफ करे, हाथ से हुई है। लेकिन जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो ऐसे उसका साया जा रहा होता है, इस तरह से जब वो लैंड कर रहा होता है तो हॉरिजॉन्टल साया ऐसे ही आ रहा होता है। ये देख लें, ये है जी प्रोजेक्शन का सिंपल, मैंने रियल वर्ड से आपको एक लिंक बता दिया। अच्छा, अब मामला क्या है, ये क्यों हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यू आपके पास गिवन होगा, ए आपके पास गिवन होगा, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आपको निकालने होंगे, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आपको निकालने होंगे। कैसे निकालने होंगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लें जी, और लिखे कहा हुआ है कि डब्ल्यू वन को उसने कहा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, पूरा लिखा हुआ है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए भी कह सकते हैं, ये जो प्रोज यू लिखा हुआ है ये वही है। अब वही मसला है, मैं कह रहा हूं कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू को मालूम करना है। ये है जी थ्योरम, ये फिर एट्थ और सेवंथ एडिशन के लिहाज से है। थ्योरम ये कहता है कि अगर ए आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो डब्ल्यू वन है विच इज प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए इस फॉर्मूले के बराबर है, यानी कि यू डॉट ए टाइम्स ए डिवाइडेड बाय नॉर्म ए स्क्वायर, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि ए नॉन जीरो वेक्टर है, वरना एक चीज तो कम से कम इतनी नजर ही आ रही है, वरना नीचे जीरो आ जाएगा। अगर आपके पास एक वेक्टर जीरो है तो उसकी लेंथ जीरो ही होती है ना, वो नीचे जीरो आ जाएगा। दूसरी चीज है कि आप कह रहे हैं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, तो जीरो वेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन सेंस ही नहीं बनती। देखिए, वही मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। अब वो पिछली जितनी डायग्राम है उनमें से कोई भी आप यूज कर लें, ये वाली यूज की गई है, ये आपके पास वेक्टर यू है, ये डब्ल्यू वन है, ये डब्ल्यू टू है, और ये डब्ल्यू टू है, तो फिर ये भी डब्ल्यू टू है, क्योंकि दोनों आपके पास के हैं, सेम डायरेक्शन में है, सेम लेंथ में है। तो यू किसके बराबर है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये लिखा हुआ है। डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ऑफ यू, डब्ल्यू वन इज अलोंग ए, ये जो है जी ए साहब है, इस पॉइंट से लेके यहां तक रेड वाले साहब डब्ल्यू वन है, उन्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है, और जो नीला हुआ है वो ए है। अच्छा, अब ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू निकालने, पहली चीज तो है कॉमन सेंस है, डब्ल्यू वन और ए एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं, दे आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू के ए, ये तो पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस हुआ था। अब आप इस W1 को इधर रिप्लेस कर दें, यहां रिप्लेस कर दें, ये देखें क्या हुआ है, U एज इट इज, W1 के A यहां पर रिप्लेस कर दें, ये लिखा हुआ है, W2 ये लिखा हुआ है। अब क्या मसला है हमारा, अब ये मसला देखें, W2 को तो यहां पर रखा है, K A को उस तरफ ले गए लेफ्ट साइड पे, ये नेगेटिव हो गया। किसी तरह से अगर के हमें मिल जाता है ना, तो देख लें डब्ल्यू वन निकल आएगा, के का मसला है, K हमें मिल जाता है तो आपके पास W1 आ जाएगा, और जाहिर बात है W1 A का मल्टीपल है, यहां भी ऐसे ही, ये सारे का सारा बनता है जी K, देख लें, प्रूफ अभी नहीं हुआ, यही सारी की सारी चीज K बनती है, इस K को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। करना कैसे है, ये चीज आ गई। अब इसने कहा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद A, अब देख लें, मुझे इस चीज का भी खतरा रहता है कि सर स्टेप का तो रट्टा लगाना पड़ेगा ना। देखें पहले की पॉइंट सुन लें, जो बुक्स में नहीं होता यहां पर भी नहीं लिखा हुआ, जिस वेक्टर का कोफिशिएंट आपने निकालना है, K निकालना है, मैंने K निकालना है, किस वेक्टर का कोफिशिएंट है, ए का, तो जिस वेक्टर का कोफिशिएंट आपने निकालना है तो यहां पे देख लें, या आपने के निकालना है तो के के साथ जो वेक्टर है उसके साथ दोनों तरफ डॉट ले लें, ये मैं जरा की पॉइंट बता रहा हूं, ये आपने कांस्टेंट निकालना है तो इसके साथ जो वेक्टर है दोनों तरफ इससे डॉट प्रोडक्ट ले लें। आप कहेंगे जी अब ये भी रटा ही है ना कि जी जो कॉन्स्टेंट के साथ वैक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, इसके साथ क्यों लिया, इसके साथ क्यों लिया, देखें उसकी भी रीजन है। जब यहां पर देख लें, जब इसका डॉट इसी के साथ होगा तो इसकी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, वो नंबर बन जाएगा, उस पर हम डिवाइड कर सकते हैं, उससे के निकल आएगा। फिर बोलता हूं मैं, जब ए का डॉट ए से लेंगे तो उसकी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, उसके नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, वो एक नंबर बन जाएगा, और उस नंबर पे हम डिवाइड कर सकेंगे तो के निकल आएगा। नीचे देखें, कहता है टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए, इसका डब्ल्यू टू के साथ लें, यहां पर देख लें, और इस सारे का ए से डॉट, दोनों तरफ लेना है और डॉट को मिस नहीं करना। अब ये जीरो कैसे हो गया, क्योंकि W2 जो था परपेंडिकुलर टू A था और ऑर्थोगोनल टू A था, ये चीज हो गई। अब U का डॉट A से ले लें, U डॉट A हो जाएगा, A का डॉट A से ले लें, ये हो जाएगा, और यहां पे आपके पास जो चीज आ रही है ये देख लें, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको जीरो स्केलर लिखना है आपने, इसको जीरो वेक्टर नहीं लिखना, ठीक है, जीरो स्केलर है। अब यहां पर देख लें, इसको बेशक उठा के राइट साइड पर ले जाए, जब राइट साइड पर आप ले जाएंगे तो ए डॉट ए नीचे चला जाएगा इसका, दोबारा देख लें, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ए डॉट ए को इसके नीचे ले जाएं। अब ए डॉट ए जो होता है नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर होता है, ए डॉट ए जो होता है नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर होता है, ये जी के की वैल्यू आ गई,
और इसमें कंफ्यूजन क्लियर करूं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर वेक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं, मैं हर दफा कहता हूं नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहां से तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर्स जो आपके पास हैं स्पेशल मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, और मैट्रिसेस में डिवीजन कहां डिफाइंड है, कभी देखा है एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वेक्टर को वेक्टर पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक चीज। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर देखें ये डिवाइड हो रहा है, ये देखें वेक्टर पे हम डिवाइड नहीं कर रहे, ए डॉट ए इज नॉट अ वेक्टर इट्स अ स्केलर, अगर आप ए डॉट ए को वेक्टर मानते हैं तो रट्टा लगा रहे हैं, आई एम सॉरी, ए डॉट ए इज अ स्केलर इट्स नॉट अ वेक्टर, और ए डॉट ए जो होता है नॉर्म ए स्क्वेयर होता है, ये के साहब आ गए। अब इस के को क्या करना है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो डब्ल्यू वन ये देख लें के ये लिखा हुआ है, अब इस के को इससे रिप्लेस कर दें यू डॉट ए डिवाइडेड बाय नॉर्म ए स्क्वेयर, तो ये देख लें ये आंसर आ गया और यही प्रूफ करना था। अब बजाय कि इसको याद करते फिरें आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है जी, ये डेरिवेशन आनी चाहिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन अगर कहीं ये डायरेक्ट यूज होता भी है तो दिमाग में हाँ डिराइव कराया था, कराया था बस, अल्लाह शुक्र ड्राइव कराया था, रटा नहीं लगवाया, और खबरदार खबर कहा के हो मैथमेटिक्स ड्राइव सब्जेक्ट है। ये लें जी, ये आपके पास फार्मूला आ गया W1, ये है जी प्रोजेक्शन ऑफ U along A, ठीक हो गया जी, U डॉट A टाइम्स A डिवाइड बाय नॉर्मल स्क्वायर। दूसरा W2 क्या था और ये कहां से आया, इसको देख लें, ये शायद अजीब सा लग रहा हो, ये देखें U था आपके पास W1 plus W2, फिर सुने U था आपके पास W1 plus W2, W1 को जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो U minus W1, और W1 की वैल्यू ये थी, यहां सब्स्टिट्यूट करें ये आंसर आ रहा है W2 का, यानी W1 निकल आए ना तो U में से माइनस कर लें W2 आ जाएगा, W1 निकल आया U में से माइनस कर दें W1 को W2 आ जाएगा, ये है जी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑर्थोगोनल टू A परपेंडिकुलर टू A, ये डायग्राम से नजर आएगा पिछली स्लाइड पे बनी हुई है, उसकी पिछली स्लाइड पे भी बनी हुई है, और ये कहता है नोट करें कि W2 डॉट A जीरो, जारी बात है ऑर्थोगोनल है परपेंडिकुलर जीरो होगा, लेकिन यहां से देख लें, ध्यान से देखें, पीछे कॉपी पेंसिल पास रख लें कर लीजिएगा, यहाँ पे डॉट A लें, ये तो हमने आप कहेंगे सर डेरिवेशन में यूज किया था, देखें डेरिवेशन में तो यूज किया था, अगर ये नहीं आता, ये आपके पास W2 की वैल्यू है, अगर दोनों तरफ A से डॉट लेने से जीरो नहीं आता तो आपका ये आंसर गलत है, तो उसको चेक कर लेते हैं, यहां तो डॉट A आ जाएगा, यहां भी U डॉट A आ जाएगा, ये सारा नंबर है यहां पे आ जाएगा A डॉट A, अब ध्यान से सुने A डॉट A होता है नॉर्म ए स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे अगर डॉट लेंगे A से तो A डॉट A हो जाएगा नॉर्म ए स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे था U डॉट A, U डॉट A माइनस U डॉट A जीरो, ले मैंने कर दिया, ना समझ आया दोबारा सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखें, वो कहता है यू गिवन है ए गिवन है, मैंने पहले कहा था यू और ए गिवन होंगे और डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू निकालने पड़ेंगे, कहता है जी मालूम करें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, यानी कि ये, फिर वो कहता है मालूम करें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए या परपेंडिकुलर टू ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए यानी कि डब्ल्यू टू साहब जो इस फॉर्मूले से आएंगे, ये नीचे आंसर भी दिया हुआ है। अब पूरी ईमानदारी से यहां पे पॉज करें, आगे वीडियो मत देखें और इसको ट्राई करें, मतलब है कि यहां पे निकालें प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, इस फॉर्मूले से निकालें, डॉट प्लॉट का फॉर्मूला देख लीजिएगा, ए डे में मैंने कराया था कि जब आपके पास यू के कंपोनेंट्स गिवन है, ए के कंपोनेंट्स गिवन है तो डॉट प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वहां डिराइव करवाया था, उसके बाद ये है जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए डब्ल्यू टू निकालना है, ये भी निकाल लीजिएगा, ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, इसके बराबर है एंड द वन ऑर्थोगोनल टू ए, वो ये है, पूरी ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से मुराद के प्लीज यहां पर अब इसको पॉज कर दें और ट्राई करें, होपफुली ये निकल आएंगे, अगर नहीं निकलते फिर आगे जाएं, मेहरबानी करके डायरेक्ट ना आ जाएं आगे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कोर्स को सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, सीखना चाहते हैं तो उसको ट्राई करें, होपफुली हो जाएगा, नहीं होता फिर सलूशन देखें, और सलूशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, और देख लें ये चीजें जो है शायद आपके पास जो स्टूडेंट्स मेरे डायरेक्टली मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास जो सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी उसमें शायद अगली स्लाइड में से हो, क्योंकि वो चीजें मैं फिर बोर्ड भी कर देता हूँ, अब बोर्ड भी करना पॉसिबल नहीं है तो मैं यही कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पे सलूशन है, लेकिन पहले खुद ट्राई करें, होपफुली आ जाएगा, फंस जाता है तो अगली स्लाइड से चेक कर लें क्या मिस्टेक की है। अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, ये है जी सलूशन, ये देखें जी यही था W1 प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग ए, अब ये पीछे से देख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला हमने ट्राई किया, एक चीज U की वैल्यू थी 2 माइनस 1 3, इसका डॉट लेना है हमने A से, A था 4 माइनस 1 2, ये भी पिछली स्लाइड से देख लीजिएगा, A साहब ये लिखे हुए हैं, ये नॉर्म ए स्क्वायर है, अब बजाय कि मैं यहीं से बताऊं, ये देखें ये था जी डॉट प्लॉट का फॉर्मूला, अब तो पता लग गया होगा जो, और जो स्टूडेंट साथ साथ करें उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, अगर यू के कंपोनेंट्स हैं यू वन यू टू यू थ्री, वी के कंपोनेंट्स हैं वी वन वी टू वी थ्री, तो जो डॉट प्लॉट होता है फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट प्लस सेकंड विद द सेकंड प्लस थर्ड विद द थर्ड, और नॉर्म ऑफ यू जो होता है वो होता है
स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस स्क्वेयर ऑफ थर्ड कंपोनेंट अंडर रूट। अब आपने इन दोनों का लेना है डॉट, ये यू साहब थे ये साहब। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट 2 4 8 माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन 3 × 2 6 छक्का प्लस 6 ये हो गया। अब इसी तरह से ये वाला वेक्टर तो यहां पे आ रहा है नीचे नॉर्म स्क्वेयर मतलब ए साहब ये थे इस कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वेयर यानी के 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 16 प्लस 1 प्लस 4 तो यहां पे देख लें 16 प्लस 1 17 और प्लस 4 21 ये लिखा हुआ है ठीक हो गया। कहां से आ रहा है यहां से आ रहा है। अब 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 15 बटा 21 अब इसको 3 5 15 3 7 21 अब देख ले यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये चीजें मजाक नहीं है ये टेबल्स और ये मतलब है कि मल्टीप्लाई करके आता है ये मजाक नहीं है कि छोटी क्लासों में पढ़े थे और अब शर्म महसूस करें लोग मजाक उड़ाते हैं 3 × 5 15 न्यू ही आएंगे और भाई आंदा है तो अकड़ते क्यों शुक्र करो ऊपर वाले का अगर आंदा है तो यहाँ पे देख लें ये जो चीज आपके पास है यहाँ पे 5 आ जाएगा ठीक है यहाँ पे 7 आ जाएगा इसलिए 7 7 7 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 5 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आप कहेंगे जी 5 क्यों बोल रहा हूँ अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आप इसको पहले कैंसिल करें 3 5 15 3 7 21 तो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 10 जो ऊपर नजर आ रहा है 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 7 ये है जी पहला आंसर। अब आता है आपके पास दूसरा वाला कौन है जी दूसरा वाला वो है जी प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए। ये देखें सारी मेहनत आपके लिए की हुई है पहले ये फिर हुआ है फिर ये हुआ है फिर ये हुआ है फिर ये ताकि आपको समझ आ जाए प्रोजेक्शन ऑफ यू निकालनी है ऑर्थोगोनल टू ए ये परपेंडिकुलर टू ए। उसमें मैंने क्या कहा था कि डब्ल्यू वन अगर आ जाता है तो इसको यू में से माइनस कर दें ये पिछली स्लाइड पे था इज गिवन बाय ये लें जी मैंने कहा था डब्ल्यू वन आता है उसको यू में से माइनस करें यू क्या था 2 − 1 3 यहां भी नजर आ रहा है माइनस डब्ल्यू वन क्या था ये जो निकाला है 20/7 −5/7 10/7 अब माइनस करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी दो वेक्टर माइनस हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी 2 − 20/7 ये लिखा हुआ है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5/7 ये लिखा हुआ है 3 − 10/7 ये लिखा हुआ है 7 × 2 = 14 14 − 20 −6 हाँ जी −6/7 7 × −1 −7 −7 + 5 और 10 हो −2 हाँ −2/7 7 × 3 = 21 21 − 10 = 11 शाबाश 11/7 ये जी आंसर आ गया यही आंसर पीछे दिया हुआ था लो जी ठोक बजा के प्रॉब्लम सॉल्व घर बन गया मुबारक हो जी अल्लाह पाक बरकत पाए ते विच रहना नसीब करे। अब चलते हैं जी अगली स्लाइड पे ये लें जी यहां पे रिवीजन है वो कहता है यूर वी जो आपके पास है वेक्टर्स इन टू स्पेस और थ्री स्पेस टू स्पेस से मुराद है टू डायमेंशनल स्पेस थ्री स्पेस से मुराद है थ्री डायमेंशनल स्पेस अगर टू स्पेस है तो यू के दो कंपोनेंट्स होंगे थ्री स्पेस है तो यू के तीन कंपोनेंट्स होंगे एंड सेम इज ट्रू फॉर वी। और फर्दर कहता है कि थीटा जो है एंगल बिटवीन यू एंड वी है तो जो डॉट प्रोडक्ट है या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो होपफुली इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि क्यों कहते हैं उसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यू डॉट वी जो है वो डिफाइंड बाय व्हाट नॉर्म ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू नॉर्म ऑफ सेकंड वेक्टर टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर्स आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम ये तब जब वेक्टर्स आपके पास नॉन जीरो होते हैं अगर एक भी वेक्टर इनमें से जीरो हो जाएगा तो नॉर्म जीरो हो जाएगा तो आंसर विल बी जीरो। यहां पे कह रहा है पहला वाला जीरो हो जाए या दूसरा दोनों भी जीरो हो सकते हैं तब भी आंसर जीरो। फर्दर वो कहता है विच आल्सो सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यू डॉट वी जो है वी डॉट यू के बराबर है वो तो हर यहां से भी नजर आ रहा है राइट साइड पे एक जस्ट नंबर नजर आ रहा है और कुछ नहीं है बेशक वी नॉर्म को आप पहले लिख लें यू नॉर्म को उसके बाद लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो समझ लें कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि वी डॉट यू मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ द वी वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ यू वेक्टर कोसाइन ऑफ थीटा वो भी इसी के बराबर है। लेकिन आगे मजीद प्रॉपर्टीज हैं वो कहता है यू डॉट करें जब वी प्लस डब्ल्यू से तो यू का डॉट वी से करें प्लस यू का डॉट डब्ल्यू से करें फिर वो कहता है के को मल्टीप्लाई करें यू डॉट वी से तो के या यू से मल्टीप्लाई होगा या वी से मल्टीप्लाई होगा के कोई भी स्केलर है रियल नंबर है। तो अब फर्दर वो यहां पर यह बात कर रहा है कि
बी डॉट वी जो है ये आपके पास जो है पॉजिटिव होगा अगर वी आपके पास जो है नॉन जीरो है, और वी डॉट वी आपके पास जीरो होगा अगर वी एग्जैक्टली जीरो के बराबर है। ये बकायदा प्रूफ करना है, आप देख रहे होंगे मैं बड़ा स्पीड में पढ़ गया उन सबको, ये आपने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से सुने, यू को आप ले लें यू वन यू टू यू थ्री, बी को ले लें वी वन वी टू वी थ्री, डब्ल्यू को ले लें डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, और डॉट प्लॉट का एक और फॉर्मूला भी तो है ना आपका, यू डॉट वी जो आप करते होते हैं यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस यू थ्री वी थ्री, उसको यूज करके ये चारों प्रॉपर्टीज आप प्रूफ करें, उस फॉर्मूले को यूज करके चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ करें। लेफ्ट से स्टार्ट करें राइट पे जाएं, लेफ्ट से स्टार्ट करें राइट पे जाएं, मतलब इसमें से वही वाली बात, लेफ्ट से राइट या जो भी आपने अस्यूम करना है उसको अस्यूम करके फिर दूसरा वाला प्रूफ करना है, मान के नहीं चलना। और इधर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये इफ लिखा हुआ है, ये इफ एंड ओनली इफ होगा तब भी ठीक होगा, यानी कि एक ही वेक्टर का उसी से डॉट जीरो तब हो सकता है अगर वेक्टर जीरो है, और अगर वेक्टर जीरो है तो उसी वेक्टर का उसी से डॉट जीरो होगा। वैसे भी आपको पता है एक ही वेक्टर का उसी से डॉट लें तो उसके लेंथ का या नॉर्म का स्क्वायर होता है, और वो पॉजिटिव तभी हो सकता है जब वेक्टर नॉन जीरो हो। जीरो वेक्टर की लेंथ क्योंकि जीरो होती है तो जाहिर बात है लेंथ का स्क्वायर भी जीरो होगा। ये तो मैंने फिर भी बातों बातों में बता ही दिया, लेकिन आपने इन चारों को प्रूव करना है। नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि चेक सेकेंड थर्ड फोर्थ बाय टेकिंग यू एस दिस, जो मैंने पहले बता दिया कि यू को ले लें यू वन यू टू यू थ्री, वी को ले लें वी वन वी टू वी थ्री, डब्ल्यू को ले लें डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री। अब यहाँ पे पहले ये करें कि रिकॉर्डिंग को दोबारा से पॉज करें, यहाँ पे रोकें और पिछली चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ करें, फिर आगे चलें। अगर हो जाती हैं वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर आगे जाके देखें, इस स्लाइड पे नहीं है, आगे जाके मैंने किया हुआ है, आगे जाके आपको मिल जाएगा, आगे जाके इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, लेकिन पहले खुद करें फिर आगे जाके देखें। अगर कर भी लेते हैं तब भी मैच कर लिया करें सोल्यूशन, वो भी कोई हर्ज नहीं है। कभी होता है चलो हो गया तो इसलिए देखा नहीं, फिर भी मैच कर लिया करें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अच्छा अब यहाँ पे देख लें, ये वही वाली बात कि एक ही वेक्टर का उसी से जब आप डॉट लेंगे तो उसके नॉर्म का स्क्वायर होगा, उसकी लेंथ का स्क्वायर होगा, वो पॉजिटिव तभी होगा जब वेक्टर नॉन जीरो होगा। यहाँ पे आप देखें, मैंने अब यही कहा था आपको कि जब आपके पास एक वेक्टर, पहले देख लें बाद में डिटेल देता हूँ, एक वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, उसका इनिशियल पॉइंट आपके पास है, उसका टर्मिनल पॉइंट आपके पास है, तो जब वेक्टर निकालना होता है पी टू क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंडिंग एट क्यू, तो आपके पास जो होता है फॉर्मूला ये आता है, टर्मिनल पॉइंट्स जहां पे वेक्टर एंड हो रहा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है, टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है, यानी वी वन माइनस यू वन जो कि ये लिखा हुआ है, वी टू माइनस यू टू जो कि ये लिखा हुआ है, वी थ्री माइनस यू थ्री जो कि ये लिखा हुआ है। मैंने पीछे कहीं फार्मूला जुबानी जुबानी इस्तेमाल कर लिया था, अब देख लें प्रूफ आ रहा है। मैं अगर कोई चीज जुबानी इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे ही कोर्स में कहीं ना कहीं हुई होती है। अब जरा डायग्राम पे जाते हैं, ये लें जी आपके पास x एक्सिस है विच इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ये है जी आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास है जी z एक्सिस, ये है जी वेक्टर u, ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट पे एंड हो रहा है u1 u2 u3 और यही इसके कंपोनेंट्स हैं u1 u2 u3, ये आपके पास वेक्टर v है, o से शुरू होके q पे एंड हो रहा है और इसके कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3। अगर आपने इसको पॉइंट के तौर पर लेना है पॉइंट q तो ठीक है v1 v2 v3, लेकिन इस वेक्टर के v के कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3। अब ध्यान से देखें v जो है रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, OP का और PQ का। यहां पे देख लें v जो आपके पास है जो कि OQ के बराबर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है OP का और PQ का। देखें मैं लगातार कह रहा होता हूं मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है, रटे लगाने छोड़ दें, अगर कोई टीचर रटे लगवा रहे हैं वो भी छोड़ दें, और अगर एक टीचर इस वजह से नहीं बता पाते कि टाइम शॉर्ट है तो अलग से उनसे पूछ लिया करें। अब क्योंकि एक रटा लगवाया जाता है कि जी ये वेक्टर कैसे निकालना है, इस वेक्टर का तो पता है मुझे u है, ये तो पता है v है, तो रटवाते हैं जी दूसरे में से पहला माइनस करते हैं v माइनस u, पर ये कहां से आया, यहां से आया क्योंकि v आपके पास है जी oq जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, op का जो कि यहां पे नजर आ रहा है, प्लस pq जो कि यहां पे नजर आ रहा है। रिजल्टेंट का मैंने पहले बताया था o से q डायरेक्ट पहुंच जाए या पहले o से p फिर p से q। अब ये जो op साहब है ना, op साहब तो नजर आ रहा है कि u है, इसको देखें ये ग्रीन यहां पे सिग्नल आया हुआ है, वैसे एरो है, इसको U से रिप्लेस किया हुआ है, PQ यहां बैठा है। अब PQ का ही मसला था ना कि क्यों उसको V माइनस U लिखा हुआ है, तो आप ऐसा करें कि PQ को यहीं रहने दें और यानी कि यहां पे रहने दें, U को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, लेने PQ आ गया V माइनस U। अब बताएं रटा खत्म हो गया कि नहीं, ये है कि नहीं V माइनस U, और V किसके बराबर था, वी वन वी टू वी थ्री, यू किसके बराबर था, यू वन यू टू यू थ्री। मसला हो रहा है तो ऊपर देख लें, ऊपर देख लें, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा,
यानी कि इस वाले वेक्टर में से इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा वी वन माइनस यू वन, ये आ गया, फिर वी टू माइनस यू टू, ये आ गया, वी थ्री माइनस यू थ्री। अब देख लें वो फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर आपके पास जो है एक वेक्टर गिवन है उसके इनिशियल पॉइंट्स के भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो खुद वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है। अब रह गया जी डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी। अब देखें इस नोटेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स, ये लिखा होगा ना द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या वेक्टर्स, पहली बात है कहेंगे जी हैं जी वेक्टर तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे तो डिस्टेंस जीरो है, इधर पता नहीं क्या है। जब वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या वेक्टर, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर्स, जहां पे ये पहला वेक्टर एंड हुआ है और जहां पे ये दूसरा वेक्टर एंड हुआ है, इनके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, और वो वही बनता है जो वेक्टर v माइनस यू की लेंथ है, वो वही बनता है जो वेक्टर v माइनस यू की लेंथ है। और वेक्टर v माइनस यू की लेंथ ले लें या u माइनस v की ले लें, बात एक ही है, यहां से नेगेटिव कॉमन निकालें, नॉर्म है, या एक तरह से लेंथ ली जा रही है, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में खत्म होता था इसमें भी खत्म हो जाता है। लेकिन असल बात है कि इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, वो यही होता है ना स्केल ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट प्लस स्केल ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस स्केल ऑफ थर्ड कंपोनेंट, और अंडर रूट, ये देख लें स्केल ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ये आ गया, स्केल ऑफ द सेकंड कंपोनेंट ये आ गया, स्केल ऑफ द थर्ड कंपोनेंट, इन सबको ऐड करें और अंडर रूट। फर्दर ये लिखा हुआ है कि एक ही वेक्टर का उसी से डॉट लें तो उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है, ये खाली लेंथ है तो अंडर रूट लिया हुआ है। अब ये फिर रिकॉल करें, ये वही डिस्टेंस फार्मूला है जो कि रटवा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है। अच्छा जी एक लाइन है जी, उसका एक जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताएं, और जो दूसरा एंड पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है, एक पॉइंट नहीं कहना चाहिए या स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आपने ये करना है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वेयर करके ऐड करके अंडर रूट, ये रटवाया जाता है, ये वही डिस्टेंस फार्मूला है, वही डिस्टेंस फार्मूला है। वैसे इस वेक्टर की ये लेंथ थी। ये है जी वो फोर प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट्स की, और उनकी डिटेल आ रही है। ये लें जी पहली, जो पहली थी हमने कहा था u डॉट v आपके पास जो है v डॉट u के बराबर है, और उसमें मैंने यही कहा था कि ये फार्मूला तो आपने बकायदा डिराइव किया हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे ये प्रूव किया हुआ है कि u डॉट v इज सेम एज v डॉट u। कैसे किया हुआ है, u डॉट v होता है आपके पास u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। अब देखें ये चीजें टिप्स भी होनी चाहिए, मैं बार बार बताऊं या ना बताऊं, u के कंपोनेंट्स हैं u1 u2 u3, v के कंपोनेंट्स हैं v1 v2 v3, और जो डॉट प्रोडक्ट आपके पास फार्मूला वो कहता है फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट प्लस सेकंड विद द सेकंड प्लस थर्ड विद द थर्ड। अब u1 v1 तो जस्ट नंबर्स हैं, उनको u1 v1 लिखें या v1 u1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, u2 v2 नंबर्स हैं उनको u2 v2 लिखें या v2 u2 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, u3 v3 नंबर्स हैं उनको u3 v3 लिखें या v3 u3 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लें यहाँ पे आपके पास v के कंपोनेंट्स पहले आ रहे हैं, यानी कि v1 v2 v3, U के कंपोनेंट्स बाद में आ रहे हैं U1, U2, U3, तो ये V डॉट U हो गया, ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जब आप U का डॉट लेंगे U प्लस V से तो आ जाएगा U डॉट V प्लस U डॉट W, यानी कि V से डॉट होगा और प्लस करके फिर आ जाएगा W से डॉट। बेशक ये चीजें बड़ी बेसिक लग रही हैं, लेकिन आगे इनर प्लॉट स्पेस मैंने करवाना है, ये चीजें समझ आनी जरूरी है ताकि वो क्लियर हो सके। इसमें यह करें कि U को लिखें U1, U2, U3, ये लेफ्ट तो मैंने पूरा पूरा लिखा हुआ है जो मैं ऊपर बता रहा था कि U के तीन कंपोनेंट्स हैं। V प्लस डब्ल्यू जो है ये V और W के कंपोनेंट्स को ऐड करके आएगा, जैसे ये देख लें V1 प्लस W1। अब डॉट प्रोडक्ट वैसे लेना है फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट, अब ये जो सम अप होके आ रहा है ना यही फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट विद द फर्स्ट ये लिखा हुआ है प्लस सेकंड विद द सेकंड, ये प्लस और ये सेकंड विद द सेकंड प्लस थर्ड विद द थर्ड ये लिखा हुआ है। अब आंसर देखें सामने है, आंसर को मान के कभी नहीं चलते, लेकिन उससे पता लग जाता है कि आपने किस तरह की फॉर्म बनानी है। पहला आ रहा है यू डॉट वी, यहां पर देख लें यहां से यू वन वी वन आ रहा है, यहाँ से u2 v2 आ रहा है, यहाँ से u3 v3 आ रहा है, इन सबको इकट्ठा करते हैं तो ये u डॉट v है। इसी तरह से यहाँ से आपके पास u1 w1 आ रहा है, यहाँ से u2 w2 आ रहा है, यहाँ से u3 w3 आ रहा है, इन सबको इकट्ठा करते हैं, देख लें u1 w1 u2 w2, यहाँ से देख लें u1 w1 which is this one, u2 w2 which is this one, u3 w3 which is this one, ये बन जाएगा u डॉट w, ये भी प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से तो या तो वो सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा या फर्स्ट वेक्टर से, दोनों से नहीं होगा। ये देख लें यहाँ पे किया हुआ है यू डॉट के इंटू वी किया हुआ है,
यू की वैल्यू ये लिखी हुई है, के वी आपके पास सही होगा ना, यानी कि वी जो था आपके पास उसके तो थे कंपोनेंट्स वी वन वी टू वी थ्री, के से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आपने डॉट प्रोडक्ट लेना तो वही चीज है, फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट ये लिखा हुआ है, प्लस सेकंड विद द सेकंड ये लिखा हुआ है, प्लस थर्ड विद द थर्ड ये लिखा हुआ है। अब यहां से के ओवरऑल कॉमन निकालें, जब आप के कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा यू वन वी वन विच इज दिस वन, यू टू वी टू विच इज दिस वन, यू थ्री वी थ्री विच इज दिस वन, अंदर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, आ जाएगा के टाइम्स यू डॉट वी। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि के को जब हिट करते हैं तो जैसे आपने यहां प्रूफ कर दिया कि ये सेकंड वेक्टर से हिट हो रहा है, तो यहां प्रूफ हो जाएगा कि फर्स्ट वेक्टर से भी हिट हो सकता है। अब आप कह रहे हैं जी ये कहां प्रूफ किया है, हम तो यहां से लेके यहां गए हैं, तो वो अदर वे राउंड भी हो सकता है, इसको इसके बराबर लिखें फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये किया जा सकता है, लेकिन ये कि ये दोनों इक्वल प्रूफ हमने कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पर देख लें वी डॉट वी आपके पास क्या आएगा, अगर इसको भी मैं v से रिप्लेस कर दूं तो आ जाएगा v1 v1 ये लिखा हुआ है, इसको आ जाएगा v2 v2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा v3 v3 क्योंकि दूसरा वेक्टर भी v है पहला भी v है। अब ये पहला बन जाएगा आपके पास v1 स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा v2 स्क्वायर, ये बन जाएगा v3 स्क्वायर। डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव एज लॉन्ग एज वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखें जब हम कहते हैं ना नॉट इक्वल टू जीरो, तो हो सकता है ये जो आपके पास आ रहा है यानी कि आपके पास ये जो है v1 है ये नॉन जीरो हो, v2 नॉन जीरो हो, v3 नॉन जीरो हो सकता है, जस्ट v1 आपके पास नॉन जीरो हो और v2 और v3 जीरो जाए। इन शॉर्ट ये है कि जब वो कहते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट एक कंपोनेंट उसका नॉन जीरो होगा, एटलीस्ट एक कंपोनेंट उसका नॉन जीरो होगा, और जब क्योंकि स्केयर हो रहा है और वो नॉन जीरो है तो वो पॉजिटिव होगा। हाँ, अब अगर वो कहते हैं नहीं जी ये तो अंडे के बराबर आ रहा है, कब हो सकता है, देखिए हम ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। अब अगर तीन रियल नंबर्स हैं उनका स्केयर करके ऐड किया हुआ है और यहाँ पे देख लें जीरो आ रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर सकते, तभी हो सकता है जब जीरो कौन v1 v2 v3 ये तीनों जीरो होंगे तभी इसका आंसर जीरो आ सकता है, ये सम ऑफ स्क्वेयर्स है, तीनों जीरो होंगे तभी आ सकता है। अगर ये v1 v2 v3 नॉन जीरो होते डेफिनेटली पॉजिटिव होता, ऊपर वाला केस होता। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पीछे हमने इफ लिखा था, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ये निशान समझ लें, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो राइट हैंड साइड फॉलो होगी या राइट हैंड साइड प्रूव होगी, और अगर राइट हैंड साइड ट्रू है तो लेफ्ट हैंड साइड फिर प्रूव होगी। यानी कि यहां पर उसने कहा है कि ये स्ट्रिक्टली जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर के केस में वी डॉट वी जीरो होता है। अब आपको मजीद पता होना चाहिए, तो वैसे ही एक वेक्टर का उसी से जब डॉट लेते हैं तो उसकी लेंथ का नॉर्म का स्केयर होता है, जब जीरो वेक्टर तो उसकी लेंथ ही जीरो होती है, तो वो देख लें उसका स्केयर भी जीरो होगा, एक तो वो चीज है, दूसरा यहां से भी नजर आ रहा है ये सम ऑफ स्केयर लिया हुआ है और वो जीरो के बराबर आ रहा है, तो आपस में ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, कैंसिल हो नहीं सकते, फिर ये तीनों ही जीरो होंगे। तो ये हैं जी चार प्रॉपर्टीज, अब ये देखने बड़ी बेसिक लगती हैं, इन्हीं को अगर आप समझेंगे ना तो अगले जो एडवांस टॉपिक आ रहा है ना, एक जो मैं हर दफा कहता हूँ कि बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग हो तो एडवांस मैथमेटिक्स काबू हो जाता है, इनर प्रॉट स्पेसेस का वो इंशाल्लाह ताला आराम से काबू हो जाएगा। ये लें जी ये डेफिनेशन आ रही है जी इनर प्रॉट की, वो कहता है इनर प्रॉट ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस में फिलहाल मैं यही कहूंगा जो अंदर स्केलर आ रहे होते हैं सारे रियल नंबर हैं, इज अ रियल नंबर। सबसे पहले इसको देख लें, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो आपके पास आगे हम डिफाइन करेंगे वो तो नीचे लिखी हुई है, लेकिन इसको कहते हैं जी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, इसको पढ़ते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, और ये सिर्फ एक रियल नंबर होता है और कुछ नहीं होता। अब ये अलग लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि जी इसको इनर क्यों कहते हैं, फिलहाल मैं यही कहूंगा ये दो जो एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं ना यू और वी, ये किसी वेक्टर स्पेस में से आ रहे हैं। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स फॉर ऑल वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू बिलोंगिंग टू अ वेक्टर स्पेस। देखें ये चीजें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, जो वेक्टर स्पेस ले ली है, अब ये चार प्रॉपर्टीज और आ गई हैं, आप इस तरह की चीज इनमें समझने की कोशिश करें जिससे इंटरेस्टिंग हो जाए, कंफ्यूज नहीं करना, इंटरेस्टिंग बनाना है एंड ऑल स्केलर्स के। अब मैंने सिंपल आपको ये बताया कि फिलहाल तो जी इसको पढ़ेंगे जी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, ठीक है जी, लेकिन अभी नहीं है, अगर ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तब होता है ये इनर प्रोडक्ट, तब होता है, ये भी दिमाग में रख लें। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स फॉर ऑल वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू बिलोंगिंग टू वी एंड ऑल स्केलर्स के, तब बनेगा इनर प्रोडक्ट। फिलहाल ये है कि यू और वी वेक्टर स्पेस के अंदर से आ रहे हैं, अब ये भी समझना जरूरी है कि वेक्टर स्पेस का बाउंड क्यों लगा यहाँ पे, वैसे नहीं ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो सकती थी। जैसे यहाँ पे देखें, ये कहता है जी के अब मैं अगर इसको इनर प्रोडक्ट कहूंगा तो अभी आप कहेंगे सर आपने कहा कि चारों सेटिस्फाई होंगी तब ये इनर प्रोडक्ट होगा, अगर तो इनर प्रोडक्ट है तो फिर तो देख लें यूं भी समझ सकते हैं, अच्छा जी इनर प्रोडक्ट है चारों सेटिस्फाइड इनर प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू, एक तो ये कह सकते हैं, या चलें यूं कर लें ब्रैकेट यू कॉमा वी सेम एज ब्रैकेट वी कॉमा यू, ये तो कर सकते हैं ना, इस तरह बोल लें
लेकिन ये देख लें, खुशी की बात यह है कि आप एग्जाम्पल कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने की थी। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये ऑर्डर ही वेक्टर्स थे डॉट प्लॉट में, लेकिन ये वाले कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि बात वेक्टर स्पेस की हो रही है। हो सकता है ऑर्डिनरी वेक्टर्स हो सकता है मैट्रिसेस हो सकता है पॉलिनोमियल्स हो सकता है फंक्शंस हो, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल आप कर चुके हैं कि यू डॉट वी सेम एज वी डॉट यू, तो इसी तरह से इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू। अब इसको देखें, वो कहता है यू प्लस वी का जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं डब्ल्यू के साथ, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। यू का आप डब्ल्यू के साथ लेंगे विच इज दिस वन, प्लस वी का डब्ल्यू के साथ लेंगे। इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू को पहले लिख लें और यू प्लस वी बाद में लिख लें। ये देखें पहली प्रॉपर्टी आपके पास जो है यही है, ये चीज आपके पास है। और देखें मैंने यहाँ पे शायद लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है। इसको उसने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा हुआ है, इसको उसने एडिटिविटी कहा हुआ है, एडिशन हो रही है ना एडिटिविटी, तो इसको भी कर सकते हैं। ये डब्ल्यू का यू के साथ ले लें, ये चीज है, प्लस डब्ल्यू का वी के साथ ले लें, ये चीज है। इन दोनों को इंटरचेंज करके भी आ रहा है, देख लें इन दोनों को इंटरचेंज करके भी आ रहा है। एग्जाम्पल आप इसकी भी कर चुके हैं, यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू आपने किया था, यू डॉट वी विच इज दिस वन प्लस यू डॉट डब्ल्यू। अब आप कहेंगे जी कि ये क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए कि जानबूझ के मैंने इस फॉर्म में पहले इसको लिखा, W को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, ताकि W जब U से हिट हो जाएगा ना, ये चीज हो जाएगी, प्लस W V से हिट होगा, ये चीज हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए देखें ये अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी कि K को जब आप हिट करते हैं U डॉट V से, तो या U से हिट होता है या V से, दोनों से नहीं होता, पूरा लिखा नहीं हुआ, पीछे देख लीजिएगा। सेम इज ओवर हियर, जब आपने K को हिट करना है किसी इनर पॉट से, तो या फर्स्ट वाले से होगा हिट या सेकंड वाले से, लिखा नहीं हुआ, आप बेशक नोट कर लें, मैं बोलता हूँ आप नोट कर लें। आप लिखें के टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ के एंड यू विद बी, और इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद के बी, और इनर प्रोडक्ट ऑफ पहले यू और आगे के बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखें इसलिए इनको समझना जरूरी। यहां तो नजर आते हैं हाँ जी सारी बात है दोनों से होते नहीं, लेकिन यहां पर गलती कर बैठते हैं, के को अंदर लेके जाते हैं दोनों से मिडल कर देते हैं, हालांकि ये वैक्टर नहीं है, ये इनर प्रोडक्ट है, दिस इज डिफरेंस, ये वैक्टर नहीं है, अंदर तो वैसे ही वैक्टर मौजूद है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं जी पॉजिटिविटी एक्सियम। मैंने नाम नहीं लिखे हुए, देखें ये देख लें पॉजिटिविटी क्यों है, एक ही वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट या पॉजिटिव है या जीरो है। जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली अगर वेक्टर जीरो होगा, और अभी थोड़ी देर पहले आपने डॉट प्रोडक्ट में ये चीज प्रूव की है कि एक ही वेक्टर का उसी से डॉट पॉजिटिव होता है अगर वेक्टर नॉन जीरो होता है, जीरो होता है अगर वेक्टर खुद जीरो हो जाए, या इफ एंड ओनली आप पता लग गया होगा, अगर वेक्टर जीरो है तो उसी वेक्टर का उसी से डॉट जीरो होगा, अगर वेक्टर जीरो है तो उसी का इनर प्रोडक्ट उसी से जीरो होगा। और यहां पे देख लें ये चीज आपके पास आ रही है, अगर आपके पास एक वेक्टर का उसी अपने है साथ ही उसी वेक्टर के साथ ही इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब वेक्टर जीरो, और अगर वेक्टर जीरो है तो फिर ये चीज ट्रू है। ये देखें चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके प्रॉब्लम्स करेंगे तो उनमें यूज होगी। अच्छा अब जो मैंने पहले बात की थी जो मैंने अभी तक क्लियर नहीं की, भाई वेक्टर स्पेस का बाउंड क्यों लगाया हुआ है, क्या उसके बगैर नहीं हो सकता था? यहां तो आपको लग रहा होगा कि यहां तो कोई वेक्टर स्पेस की चीज यूज नहीं हो रही, भाई देखें आप ध्यान से सुने, हमने ये बात ये की थी कि अंदर के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वेक्टर स्पेस के, कहा था ना, आप कहेंगे कहाँ कहाँ, ये लिखा हुआ है फॉर ऑल वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू बिलोंगिंग टू वी, तो आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, क्या ये भी वेक्टर स्पेस का है? बिल्कुल है, क्योंकि वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, देखें ये लॉजिक आ गई ना, इसलिए वेक्टर स्पेस का बाउंड लगा हुआ है। यहाँ पे देखें स्केलर मल्टीपल हो रहा है, क्या ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है? यस इट इज, बिकॉज वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर स्पेस का बाउंड हो। पहली बात तो यह है कि जी वेक्टर स्पेस पे एडिशन को हम डिफाइन करते हैं, दूसरी बात यह है कि हम वेक्टर स्पेस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी डिफाइन करते हैं, तीसरी बात यह है कि वेक्टर स्पेस जो होती है क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन है, दो वेक्टर्स को ऐड करें फिर वेक्टर स्पेस में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये चौथी बात कि जब किसी एलिमेंट को हम पिक करते हैं वेक्टर स्पेस में, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो स्केलर मल्टीपल होता है वो भी वेक्टर स्पेस में जाता है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए वेक्टर स्पेस का बाउंड क्यों लगा है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा होता हूँ कि आपको ना लगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और फिजिक्स मेजर्स ये सुन लें, अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स समझ नहीं है ना, तो मेहरबानी करके इनर प्रोडक्ट स्पेस समझ लें, वरना हिल्बर्ट स्पेस कभी समझ नहीं आएगी, हिल्बर्ट की रूह कभी सुकून नहीं पहुंचेगा, ठीक है, रटे लगाने पड़ जाने। तो अब यहां से देखें, वो कहता है रियल वेक्टर स्पेस, मैंने पहले ही कहा था ऐसी वेक्टर स्पेस रियल, वो 10 प्रॉपर्टीज आपको आती है जिसमें ये स्केलर जो है ना आपके पास ये रियल नंबर है, तो रियल वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट, विद एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है। और ये चार प्रॉपर्टीज फर्दर प्रूव हो रही हैं, 10 प्रॉपर्टीज तो पहले थी वेक्टर स्पेस की, चार और आ गई हैं इनर प्रोडक्ट वाली, तो ऐसी स्पेस जिसपे के ये चार प्रॉपर्टीज फर्दर प्रूव हो रही हैं इन एडिशन टू वेक्टर स्पेस, वो होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब आप कहेंगे जी वो 10 कम थी, चार और आ गई, अब देखें आगे मजे ही मजे हैं, ये समझ लें तो आगे मजे ही मजे हैं। पहला मजा,
वो कहता है जी एग्जाम्पल हो चुकी है, अगर यू आपके पास है यू वन यू टू यू थ्री, वी आपके पास है वी वन वी टू वी थ्री, ये सारे वेक्टर्स आर थ्री में है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास है, देखिए अब जान पूछ के इस नोटेशन में लिखा हुआ है, वैसे मतलब कि डॉट प्लॉट है, और ये देख लें अब यहां तो उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन आपने इसका प्रूफ भी किया हुआ है। वो कहता है ये डिफाइन करता है यू कॉमा वी टू बी द इनर प्लॉट ऑन आर थ्री, ब्रैकेट यू कॉमा वी टू बी द इनर प्लॉट ऑन आर थ्री, और ये वही है जिसको हम कह रहे थे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव्ड ऑलरेडी, मेहरबानी करके एग्जाम में ना लिख दीजिएगा, एग्जाम में आप प्रूफ कीजिएगा, और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चारों प्रॉपर्टीज डिटेल में कराई है, वही इसका प्रूफ है। अब नीचे देखें वो कहता है वी अब आपके पास इनर प्लॉट स्पेस, अब दिमाग में रखें ये इनर प्लॉट स्पेस है, ठीक है, यानी कि वेक्टर स्पेस भी है, चार मजीद प्रॉपर्टीज भी इनर प्लॉट की यहाँ पे सेटिस्फाइड है। फिर वो कहता है नॉर्म, अब लेंथ का वर्ड यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि बुक में लिखा हुआ है, वैसे नॉर्म का वर्ड बनता है क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर में तो लेंथ सेंस बन जाती है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी वेक्टर ना हुआ फिर कहेंगे है कि, इसलिए बेहतर नॉर्म का वर्ड यूज करें। कहते हैं देन द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर यू इन वी इज डिनोटेड बाय, ये तो आपने पहले भी किया था, लेकिन पहले आप करते थे ऑर्डिनरी वेक्टर्स केस में कि ए की वेक्टर का उसी से डॉट लें तो उसकी लेंथ का स्क्वायर, ए की वेक्टर का उसी से डॉट लें अंडर रूट लें तो उसकी लेंथ, अब है कि ए की वेक्टर का उससे इनर प्लॉट लें अब अंडर रूट लें तो उसका नॉर्म। गल समझ आ गई, फिर सुन लो, ए की वेक्टर का उसी से इनर प्लॉट लें और अंडर रूट लें तो उसका नॉर्म। अब एक और नोटेशन आ रही है यूक्लिडियन इनर प्लॉट की, भाई यही है यूक्लिडियन इनर प्लॉट और कुछ नहीं है, यूक्लिडियन इनर प्लॉट यही वाला है जिसमें ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं और डॉट प्लॉट। एक और नोटेशन है क्योंकि ये यूज होगी आगे जाके क्वेश्चन में, यूज होनी है इसलिए आप जरा इनको समझ लें। दो वैक्टर लें आर थ्री में से, इसका मतलब इसके भी तीन कंपोनेंट है, इसके भी तीन कंपोनेंट है, आगे चल के देखते हैं वो कहना क्या चाहता है, दस है की कहना चाहना, वो ये कहना चाह रहा है कि U को आप वर्टिकल लिखें, V को भी आप वर्टिकल लिख लें, ये U1, U2, U3, V1, V2, V3। अब वो कहता है कि U डॉट V को लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम फर्स्ट, ध्यान से देखें ट्रांसपोज, ये दूसरा वाला है ना, इसका ट्रांसपोज और पहला, यहां पे कोई डॉट नहीं है, अगर यहां पे डॉट है तो कर्सर का है, ठीक है, अब गया वो आ गया, यहां पे कोई डॉट नहीं। अब वो कहता है वाई, रट्टा नहीं लगाना, ये देखें वी ट्रांसपोज होगा, अगर आपके पास ये कॉलम वेक्टर है तो ट्रांसपोज हो जाएगा रो वेक्टर, U as it is column vector ही रहेगा, ठीक है, ये column vector है। अब यहाँ पे देख लें row into column जब आप करते हैं ना, row into column जब आप करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, आप करते हैं row into column, V1 U1 which is this one plus V2 U2 which is this one plus V3 U3, मैं उल्टा बोल गया हूँ लेकिन बैरल वही है, V1 U1 करते हैं या U1 V1 करते हैं, वे ये first row into first column, तो अब देख लें ये डॉट प्रॉपर्टी है ना। अब देख लें यहाँ तो मैंने लिखा नहीं हुआ, जुबानी सुने, रट्टा नहीं लगाना कि V ट्रांसपोज U होता है, ये U ट्रांसपोज V भी हो सकता है, अगर यहाँ पे U लिखेंगे यहाँ पे V तब भी आ जाएगा, अगर यहाँ पे U लिखेंगे यहाँ पे V तब भी आ जाएगा, U डॉट V आपके पास होता है V डॉट U, तो उसको U ट्रांसपोज V भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें जान पूछ के मैंने एक एग्जांपल ली है इनर प्रोडक्ट की जिसमें कि ऑर्डिनरी वेक्टर्स नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ पे कहता है कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब है उनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, मजीद मैं नहीं बता रहा, उनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, देखें ये कंटिन्यूस, कर्सर को देखें ये कर्व बन रही है कंटिन्यूस है, लेकिन आप देखें ये ओहो ओहो ये देखा टूट टट के आया है, मतलब है कि बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है टूट पच गया, वो नहीं चाहिए हमें, कंटिन्यूस ये बनता है, ये कंटिन्यूस ये कर्व बन रही है, लेकिन डिसकंटिन्यूस ओह हो गया फिर आया हो गया और फिर आया हो गया। तो अब वो कहता है जी कि ये दो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है, चेक करें क्या ये वाली जो चीज आपके पास है डिफाइन करता है इनर प्लॉट, वेदर लिखा है ना डाउट में डाल रहा है, क्या ये चीज पहले डेफिनेशन समझे, देखें ये गिवन होगा इसको आपने चेक करना है, आपने थ्योरी पढ़ी थी कि रियल नंबर होता है, अब आपको पता है फ्रॉम द कैलकुलस कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसका आंसर एक नंबर ही आता है, सो दिस इज अ रियल नंबर। एफ कॉमा जी इसने कैसे डिफाइन किया है, या देखें आप इसको इनर प्लॉट भी नहीं कह रहा क्योंकि प्रूव नहीं हुआ, ब्रैकेट एफ कॉमा जी कह लें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए टू बी इंटीग्रेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए टू बी इंटीग्रेट करना है, और कहता है डिफाइंस एन इनर प्लॉट ऑन सी ए बी, ये आपके पास जो है ये मैंने आपको प्रॉब्लम सेट दिया था उसके अंदर भी था, इसका मतलब होता है ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, फिर सुन लें ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और ये जो आपका पहला प्रॉब्लम सेट था उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन मौजूद था। अब आपने करना क्या है, करना ये है, वो कहता है पहले ये चेक करें कि ब्रैकेट एफ कॉमा जी वही होगा जो जी कॉमा एफ होगा, ये आपने प्रूव करना है, फिर आपने f प्लस जी को s के साथ करना है और ये प्रूफ करना है, देखें इसमें लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं करने, मान के नहीं चलना, लेफ्ट से राइट जाना है, ये प्रूफ करना है कि इज दैट सेम एज ब्रैकेट f कॉमा s प्लस ब्रैकेट g कॉमा s, और यहां पे देख लें यहां पे उसने कहा अगर k अंदर लिखा हुआ क्या k ओवरऑल बाहर आ जाएगा,
फिर ये इसने कहा है कि f का f के साथ ही जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो आपने प्रूव करना है, और वो जीरो तब होगा इफ एंड ओनली इफ अगर f जीरो होगा तो। ठीक है, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें, इनको खुद प्रूफ करने की कोशिश करें, कम अज कम पहले तीन को तो प्रूफ करें, ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पहले तीन को तो प्रूफ करें, उसके बाद हम चौथे को भी करेंगे, पहले खुद ट्राई करें। लिखा हुआ ट्राई द फॉलोइंग, देखें ट्राई द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेहरबानी किया करें, मैं तो नहीं आपको वॉच कर रहा, ठीक है ना, वरना यही होता जी कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग को खत्म कर दें, इसको खुद ट्राई करें, नहीं हो पाता फिर आगे जाके देखें और सोल्यूशन को फिर भी मैच करें अगर आपको लगता है कि हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रोकें, उसके बाद प्लीज आगे जाएं। ये लीजिए सोल्यूशन, यहाँ पे वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है ये दो फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों सी ए बी में हैं। व्हाट इज सी ए बी? ये नीचे लिखा हुआ है ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल या क्लोज इंटरवल ए बी, यानी उनके ग्राफ में ब्रेक नहीं है। एफ जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, जी जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, एक्स आप जो है इस क्लोज इंटरवल में से कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें, क्योंकि अभी तो हमने प्रूफ करना है ना इनर प्रोडक्ट, इसलिए मैं इसको इनर प्रोडक्ट नहीं कह रहा, मैं ब्रैकेट एफ जी कह रहा हूँ। आपने प्रूफ करना है कि ब्रैकेट एफ जी जो है वो सेम है एज ब्रैकेट जी एफ, ये पहली प्रॉपर्टी। क्या आप कहते थे जी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू, ये आपने प्रूफ करना है। आप देख लें जो आपके पास डेफिनेशन गिवन है ना इस ब्रैकेट की, या अगर ये इन केस इनर प्रोडक्ट प्रूफ होता है तो उसकी, उससे हटना नहीं। वो क्या है, दोनों फंक्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है, ए टू बी इंटीग्रेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देख लें एफ इंटू जी वही होता है जो जी इंटू एफ होता है, जो जी इंटू एफ होता है। तो जाहिर बात है कि जब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे जी था, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, अब इनको मैं जी इंटू एफ लिख सकता हूँ, तो पहले जी और एफ, बस ये हो गया, पहले जी और बाद में एफ, तो ये वाली आपके पास जो ब्रैकेट है इसी के बराबर है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे, ईजी मेथड यूज करेंगे, वही सही रहेगा। इसको बाई पार्ट्स करना शुरू कर देते हैं, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, कोई कर सकता है इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, जबकि आपको एफ का भी नहीं पता, आपको जी का भी नहीं पता, आपको ए का भी नहीं पता, आपको बी का भी नहीं पता, और फिर खाम खामे बड़ा मुश्किल है ये हुआ। मैं वैसे शेयर करूं कि ये तजर्बे भी मुझे हुए, बहरहाल ये हो गया। दूसरा वाला अब आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है ब्रैकेट एफ प्लस जी एस, यानी कि ब्रैकेट एफ प्लस जी एस, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ब्रैकेट एफ एस यानी कि ये वाली प्लस ब्रैकेट जी एस। लेकिन अब इसको लिखना कैसे है, एफ प्लस जी को आपने मल्टीप्लाई करना है एस से, यानी हम ये करते हैं ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए टू बी इंटीग्रेट करते हैं, एफ प्लस जी को एस से मल्टीप्लाई करना है, ए टू बी इंटीग्रेट करना है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में होता है कि जब सम कर रहे होते हैं यहाँ पे, या इंटीग्रल ऑफ द सम जो होता है, आप कहते हैं इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी एफ इंटू एस वो ये बन जाता है, ये प्लस विच इज दिस वन इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, वो ये हो गया। ये जो आपके पास है बाई डेफिनेशन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर एफ एंड एस, दिस इज ब्रैकेट एफ कॉमा एस, यह जी ब्रैकेट जी कॉमा एस, हो गया ब्रेक, यहां से यहां पहुंच गए। अब देख ले मैं मान के नहीं चल रहा, ये मतलब कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये तो आपको नजर ही आ रहा होगा, ये तो सीधा सीधा इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये केस आप कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे तो ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, और अंदर जो इंटीग्रल है वो आपके पास वही है ब्रैकेट एफ कॉमा जी। पहली तीन प्रॉपर्टीज तो आराम से होगी, इसमें आप कन्फ्यूजन ना होगी जी के पहले वाले से किया हुआ है, आप दूसरे वाले से कर लें, फिर भी उसने इंटीग्रल से तो बाहर ही आ जाना है। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें अगर नाम ही बताएं कुछ समझ लिया करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको कह दिया, यहाँ पे नहीं बताया था ये एरो लगा हुआ है, देख ले उसी का बताया हुआ, यहाँ पे एरो लगा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द फोर्थ वन, जिसमें आपको कैलकुलस की अच्छी खासी बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ भी चाहिए थी लेकिन उसमें ज्योमेट्रिकली भी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो इंटीग्रल होता है इस शक्ल का, इस शक्ल का ए टू बी एफ ओफ एक्स, मैं जी ओफ एक्स की बात नहीं कर रहा, जुबानी बोल रहा हूँ, एफ ओफ एक्स डी ओफ एक्स, ये बन जाता है आपके पास एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x एक्सिस। ये इस चीज को यूज करके आगे हम चलेंगे। ये नहीं जी, ये आ गया जी f कॉमा f, दोनों f हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो f स्क्वायर हो जाएगा ये चीज। अब बुक में देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है, अस्यूमिंग के जी कैलकुलस में सारा किया हुआ है। पहली बात है कि f अगर आपके पास कंटिन्यूस है तो उसका स्क्वेयर भी कंटिन्यूस होगा। अब ये सारी कंटिन्यूस फंक्शन की चीजें आ रही हैं, ठीक हो गया। कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड होता है, क्यों बाउंडेड का मतलब, देखें ये लंबी जोड़ी थ्योरी आ गई, कंटिन्यूटी की भी आ गई, बाउंडेड फंक्शन की भी आ गई। बाउंडेड का मतलब होता है एट एवरी पॉइंट इट हैज अ फाइनाइट वैल्यू, हर पॉइंट पे उसकी फाइनाइट वैल्यू है, और कंटिन्यूस यही होता है ना, ये देखें हर पॉइंट पे फाइनाइट वैल्यू है ना। अब ये देखें अगर डिसकंटिन्यूस हो, ये देखें और ये गायब हो गया,
ये फिर आया, फिर गायब हो गया, फिर आया, फिर गायब हो गया। अब जहां पे डिसकंटिन्यूस है मुझे क्या पता इन्फिनिट हो गया। और वैसे भी जब आपने एरिया अंडर द कर्व करना है, तो जब कर्व ही गायब हो गई, ये देखें, तो क्या एरिया उसमें से निकालू, यानी उसके अंडर क्या एरिया निकालू, तो एफ स्क्वायर आपके पास होगा बाउंडेड। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज है कि एफ स्क्वायर है तो या ये जीरो होगा या ये पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि बाउंडेड है तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू जारी पता जीरो होगी क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकती, मैक्सिमम एम ले लें। अब यहां पे देखें, ये है जी आपके पास एक्स एक्सिस, ये है जी एक्स इक्वल टू ए, ये है जी एक्स इक्वल टू बी, ये वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू ए। देखें इसमें ना कंफ्यूजन हो जी, वर्टिकल हो एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट आपको डिस्टेंस दे रहा होता है वाई एक्सिस से, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं किया हुआ। जब आप कहते हैं एक्स इक्वल टू वन तो आप एक यूनिट पे होते हैं फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, तो वो सारी लाइन एक्स इक्वल टू वन हो जाती है। इसमें एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, ठीक हो गया जी। मिनिमम वैल्यू को कहता है जीरो, वो ये यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ स्केयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, मिनिमम मैक्सिमम एम, ओ ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास होती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ध्यान से सुने, हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपको डिस्टेंस दे रहा होता है फ्रॉम द x एक्सिस, इसलिए x के ऊपर वो जीरो होता है। देखें ये चीजें समझेंगे तो मैथमेटिक्स खुद ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा आपको कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी कि ये ड्राई सब्जेक्ट है। बहरहाल ये वाली जो चीज आपके पास है, मतलब कि ये एफ स्क्वायर भी तो वाई की वैल्यू है ना, वाई इज इक्वल टू एम, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, एम डिस्टेंस है इसका कहां से, एक्स एक्सिस से, तो यहां पे जीरो और यहां पे एम, बाकी इन बिटवीन है। और ये देख ले हमने कहा था कंटिन्यूस है, तो ये जो ब्लैक लाइन है इसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा, और ब्लैक लाइन और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है उसके दरमियान का जो एरिया है वो बन जाता है क्या, ये वाला, ध्यान से देखें ये वाला, ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, क्योंकि अगली स्लाइड में भी इसका जिक्र है लेकिन मैं वापस नहीं आ सकूंगा क्योंकि एरर हो जाता है। तो ये जो आपके पास है ना असल में एरिया अंडर कर्व, ये आपके पास कर्व है एफ स्क्वायर एक्स, और देख लें इसको ना कहिएगा, ये है आपके पास, ये है वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स, ये वाली बनती है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो की हुई है, इस तरह से यहां पे मिनिमम वैल्यू शो की हुई है। तो ये है जी आपके पास ये जो ब्लैक वाली है वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स, ये कर्व है, और एरिया अंडर द कर्व ये ब्लू वाला है, एरिया अंडर द कर्व एंड, या यूं कहना चाहिए एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, वो ये बनता है। अच्छा अब यहां पे देख लें, अब एफ स्क्वायर एक्स क्योंकि बाउंडेड है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू, जारी बात है फिर वो जीरो से एम के दरमियान रहेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, ए टू बी करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब पहले इस पर तवज्जो दें, ये देख लें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज मैं क्लियर करने लगा, अभी तक मैंने की थी, जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए मैंने नहीं की थी, क्लियर नहीं की थी, जरूरत नहीं पड़ी थी। जीरो को भी कहते हैं कॉन्स्टेंट बाहर रहता है, जीरो कभी भी बाहर नहीं आता। ये देखें अगर यहाँ पे टू होता, ध्यान से सुने, अगर यहाँ पे टू होता मैं कहता टू अपॉन टू और ये नीचे वाला टू इसको कैंसिल कर देता, टू बार आ गया, तो ये तो नहीं मैं कर सकता जीरो अपॉन जीरो और एक जीरो, जीरो से कैंसिल कर दू, जीरो कॉन्स्टेंट है लेकिन इंटीग्रल से बाहर नहीं आता। जीरो का जो इंटीग्रल होता है कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। फिर सुन ले, जीरो का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब जरा इधर तशरीफ लाइए, ये जीरो कहां से आ गया इसका इंटीग्रल? अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं होती, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब तशरीफ यहां ले आइए, यहां पर देखें ए टू बी जब आप करेंगे तो जीरो का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। अब देख लें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी सी आएगा, माइनस लोअर लिमिट तब भी सी आएगा, सी माइनस सी जीरो। अब ये चीज भी तंग करती है, ये क्या लिखा है, ये देखें ये ऐसे ही है, ध्यान से सुने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जब f ऑफ x इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब यही है कि x की जो मर्जी वैल्यू हो वो c ही रहेगा, यानी कि f ऑफ b भी c रहेगा, f ऑफ a भी c रहेगा, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू c माइनस c इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ना पता लगा दोबारा सुन लीजिएगा, तो यहां से देख लें ये इसलिए जीरो आ रहा है और ये एक चीज प्रूव हो गई। क्या भला, हमने यही कहा था ना कि ये जो है इनर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन विद इटसेल्फ, ये चीज है, इसको प्रूफ क्या करना था, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये हो तो गया, ये देखें ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो प्रूफ हो गया है। हाँ अलबत्ता हमने ये जरूर कहा था कि जीरो तब आता है जब वो खुद जीरो, चीज तो हो गई ना, अंदर वाली चीज जीरो है तो ये भी जीरो आ रही है। यहां पर देख लें, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, तो आंसर है जीरो। अब ये कहना है जी कि अगर आंसर जीरो आ रहा है तो अंदर वाला जीरो का प्रूफ नहीं हो रहा, यानी कि यहां लिखा हुआ है, असल में ये एरिया अंडर द कर्व है। अब आप खुद बताएं y इज इक्वल टू जीरो कौन सी कर्व होती है, x एक्सिस, तो सीधी सी बात है ये बनता है एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड x एक्सिस, तो वो तो जीरो ही होगा ना। अब अगर एरिया जीरो हो रहा है तो यहां कौन सी कर्व हो सकती है, कौन सी कर्व है जिसका एरिया
एक्स एक्सेस के साथ अगर लें या एक्स एक्सेस और उसके दरमियान लें तो जीरो होगा, तो एक्स एक्सेस ही होगा ना, जीरो ही होगा ना, यही प्रूफ है इसका। फिर सुन ले, हमने कहा है एरिया बिटवीन एक्स एक्सेस एंड एक्स एक्सेस इज जीरो, कन्वर्स भी ट्रू है। अगर एरिया जीरो आ रहा है और अंडरस्टूड है कि हम एक्स एक्सेस से कोई कर्व का एरिया निकाल रहे हैं, जीरो आ रहा है तो एक्स एक्सेस ही होगी, तो वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया प्रूफ। एक चीज तो ये वाली चीज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक चीज। और ये एम बाहर निकाल सकते हैं, और आगे जो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है, या ये कहना चाहिए वन का इंटीग्रल एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बी माइनस है, ये देखें ये शो किया हुआ, ये ठीक हो गया। अब इसमें ये ना हो जाएगी, ये कि नेगेटिव नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि एम तो पहले आपके पास मैक्सिमम था, पॉजिटिव हो गया, बी माइनस ए पॉजिटिव है क्योंकि बी बड़ा है ए छोटा है। ये सारा कुछ अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसको ज्योमेट्रिकली मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे ये प्रूव हो गया। यही चीज आपने प्रूव करनी थी कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और अगर अंदर जीरो होगा तभी ये जीरो आ रहा है, ये वाली चीज है। और अगर ये जीरो तो डेफिनेटली ये भी जीरो होगा, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान ही एरिया जीरो हो सकता है, कोई और कर्व लेंगे एक्स एक्सिस के अलावा तो बनता नहीं, सेंस नहीं बनती कि दोनों के दरमियान एरिया जीरो हो। आगे चलते हैं, ये ले जी, ये है जी एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो यहां पर देख लें वाई इज इक्वल टू जीरो जो आपके पास है वो एक्स एक्सिस, ये वाली कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्सिस भी होता है, वो तो जीरो वैसे भी होता है, आपने प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली। ये था जी एरिया बिटवीन दिस कर्व एफ स्केयर एक्स एंड एक्स एक्सिस, लिखा था शोन बाय द शेडेड पोर्शन, वहां पे जो ब्लू पोर्शन था उसकी बात कर रहा है। ये वाला जो आपके पास था ये एम टाइम्स बी माइनस है, ये है एरिया बिटवीन एफ स्केयर इज इक्वल टू एम एंड एक्स एक्सिस। अब मैं पीछे नहीं जा सकता, आप देख लीजिएगा ब्लू प्लस व्हाइट, वो जो स्ट्रेट लाइन थी ना एफ स्केयर इज इक्वल टू एम, उसके नीचे सारे एरिया ब्लू प्लस व्हाइट वो सबसे ज्यादा था। और फर्दर उसने कहा कि एम पॉजिटिव है बी माइनस ए पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तब भी पॉजिटिव होगा, ये वो चीज क्लियर की गई है कि जो दिमाग में ना आ जाए कि नेगेटिव ना हो जाए। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि ये जो चीज आपके पास थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप देख लीजिएगा पिछली स्लाइड पे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, और यही चीज थी एफ का इनर पॉट उसके ही साथ। अब मैं इनर पॉट कह रहा हूं कि ये प्रूव हो गया, तो और ये जीरो कब था, ये लिखा हुआ है इफ एंड ऑनली इफ अगर एफ जीरो, ये पीछे प्रूव किया है। और मैंने सिंपल बताया है कि अगर आपने मतलब है कि एरिया निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, जीरो आएगा। अगर एरिया जीरो है और आपसे पूछा जा रहा है जी कौन सी कर्व है जिसके दरमियान एक तो एक्स एक्सिस है उसके और एक्सिस के दरमियान एरिया जीरो है, उसके और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया जीरो, तो कौन सी कर्व है, एक्स एक्सिस है, ये भी प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि ये आपके पास है दिस डिफाइंस एन इनर पॉट ऑन सी ए बी, ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये इनर पॉट प्रूव हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक शुरू हो रहा है, वो कहता है वी आपके पास इनर पॉट स्पेस है, ठीक है ऑलरेडी इनर पॉट स्पेस है, दो वेक्टर्स हैं उसने वी में से लिए हुए, उसने कहा ऑर्थोगोनल होंगे। ये मैंने कहा था पहले कि ऑर्डिनरी वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर सेम होते हैं, अब आपको फर्क नजर आ जाएगा। यूर वी कहता है ऑर्थोगोनल होंगे अगर उनका इनर पॉट जीरो होगा, ये देखें इनर पॉट जीरो अगर है तो वेक्टर्स डेफिनेटली ऑर्थोगोनल है, लेकिन ये कहना गलत है कि परपेंडिकुलर है, क्या पता ये मैट्रिसेस हो, क्या पता ये फंक्शंस हो, क्या पता ये पॉलीनोमियल्स हो, अभी थोड़ी देर पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन यकीन करें मैं इंटरव्यू में भी कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को सीरियसली कह रहा हूं कि मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं, इंटरव्यूज के लिए भी तैयार करना है। ये क्वेश्चन हो जाता है कि जी ऑर्थोगोनैलिटी में परपेंडिकुलरिटी में क्या फर्क है, परपेंडिकुलरिटी बंदा कहता है अच्छा जी 90 डिग्री का एंगल, ऑर्थोगोनैलिटी लगता है कि वो भी वही है, हालांकि ऑर्थोगोनैलिटी में होता है कि इनर पॉट जीरो होता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डिनरी वेक्टर्स हो, ठीक है वो मैट्रिसेस हो सकते हैं, वो पॉलीनोमियल्स हो सकते हैं, वो फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में ऑर्डिनरी वेक्टर्स होते हैं, एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑर्डिनरी वेक्टर्स में जब परपेंडिकुलर होते हैं एंगल 90 डिग्री का, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक होता है, लेकिन वैसे जो ऑर्थोगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये वेक्टर्स हैं, ये मैट्रिसेस हैं, फंक्शंस हैं, पॉलीनोमियल्स हैं, तो इनर पॉट जीरो है तो ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर नहीं है, उम्मीद है पता लग गया होगा। फर्दर आगे देखें, वो कहता है अगर इनका नॉर्म वन है तो यू और वी को कहा जाता है ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। अब ध्यान से एक चीज सुन लें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोगोनल प्रूफ करें तो सिर्फ प्रूफ कर दें कि दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो है। अगर क्वेश्चन आता है ऑर्थो नॉर्मल प्रूफ करें तो अब ध्यान से सुने, पहले ऑर्थोगोनल प्रूफ करें यानी कि उनका इनर प्रोडक्ट जीरो है, फिर प्रूफ करें कि उनका नॉर्म भी वन है, फिर प्रूफ करें कि उनका नॉर्म भी वन है। ये फर्दर लिखा हुआ है, फर्दर कह लें या इन एडिशन कह लें, ये देखें नीचे क्वेश्चन है। अब आपने फिर वही करना है, क्वेश्चन पहले समझ लें और फिर वही करना है कि यहाँ पे आपने इसको पॉज करना है, उसके बाद ट्राई करना है, फिर आगे जाना है। क्वेश्चन समझ लें पहले, ये फंक्शन है दिया हुआ है, ये फंक्शन है दिया हुआ है। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड इन द लास्ट एग्जांपल, ये तो आपने अप्रूव कर दिया, अब ये डेफिनेशन के तौर पे आ गया कि इनर प्रोडक्ट है। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स को प्रूव करें ऑर्थोगोनल है ऑन दिस इंटरवल।
अब देखें क्वेश्चन को समझें, अगर थ्योरी क्लियर है तो कोई मसला नहीं है। -1 to 1 इंटीग्रेट करना है, बी आपके पास +1 है, यहाँ पे ए -1 है, -1 to 1 इंटीग्रेट करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये हो जाएंगे ऑर्थोगोनल। लो मैंने तो बता ही दिया। फिर वो कहता है प्रूफ करें ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थो नॉर्मल में देखें ये ए पार्ट तो हो गया ऑर्थोगोनल का, फिर आप दोनों का नॉर्म 1 प्रूफ करें। और इसमें देखें जो रट्टा लगाते हैं, लिखते हैं नॉर्म ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, ये रटा है। नॉर्म की तो ये डेफिनेशन ही नहीं है, नॉर्म की डेफिनेशन होती है ए की वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट फिर अंडर रूट। देखें ये सारा मैं पिछला बोल रहा हूं। अब मेहरबानी करके यहां पे रिकॉर्डिंग को पॉज करें, पहले ए पार्ट करें फिर बी पार्ट, नहीं होता आगे जाएं, हो भी जाता है तो मैच कर लें। ये लें जी ये नोट है, यहां पे इनर प्रोडक्ट को इसने डिफाइन किया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए टू बी इंटीग्रेट करना, ये नॉर्म को डिफाइन किया हुआ है। नॉर्म होता है उसी फंक्शन का या उसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। अब हैरान हो मैं वेक्टर कह रहा हूं कि मैंने कहा था वेक्टर फंक्शन भी हो सकते हैं, यहां पे फंक्शन है ए की वेक्टर का उसी के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके नॉर्म का स्क्वायर होता है, यहां पे अंडर रूट लिया हुआ है तो यहां पे जस्ट नॉर्म है। और नॉर्म किसके बराबर है, उसी वेक्टर का, यहां पे देख लें यहां पे भी एफ कर दें, उसी वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट, यानी कि एफ को एफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है और ए टू बी इंटीग्रेट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि नॉर्म है नॉर्म का स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट लिया हुआ है, बस ये वाली चीज है। इसी को यूज करके वो हमने सोल्यूशन निकालना है जो पीछे क्वेश्चन था। ये लें जी सोल्यूशन आ रहा है, ये देखें जी। अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट किस तरह जीरो करना है, मैंने कहा था इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 को तो 2 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 3 है, एक्स अंडर रूट से बाहर है, और -1 to 1 इंटीग्रेट करना है। देखें बिल्कुल जिसको बेसिक कैलकुलस भी आती है वो कर लेगा। एक्स का जो इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर ओवर 2 होता है, एक्स का इंटीग्रल जो होता है एक्स स्क्वायर ओवर 2 होता है, तो ये इसलिए नीचे 4 आ रहा है क्योंकि यहां पर 2 था। अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, इधर ध्यान कर लें यहां गलती ना हो जाए। अपर लिमिट मैं तो यूं करता हूं 1 का स्क्वायर फिर माइनस, फिर आपने ये जो लोअर लिमिट है ये सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि -1 का स्क्वायर। तो ये देख लें यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे देख लें तो +1 होगा, तो 1 -1 0। तो यही प्रूव करना था, इसका मतलब ये जो फंक्शन है दे आर ऑर्थोगोनल फंक्शन ऑन -1 +1। अब यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा मैंने परपेंडिकुलर नहीं लिखा, सेंस भी नहीं बनती अगर मैं परपेंडिकुलर कहूंगा, आपको है फंक्शन दरमियान एंगल, वो करना ही नहीं, जो चीज गलत है करना ही नहीं, ऑर्थोगोनल कहना है क्योंकि उनका इनर प्रोडक्ट 0 आ गया। फिर आपने कहा था कि ऑर्थो नॉर्मल प्रूफ करें, पहला देखें ये मिस ना हो जाए, ये तो करना ही है। ऑर्थो नॉर्मल के लिए इसका नॉर्म निकालना, मेहरबानी करके डायरेक्ट इसको कुछ ना लिख दीजिएगा, ये 1/√2 ही है। स्क्वायर मैंने इसलिए किया है कि आप अंडर रूट लगाने से बच बचाओगे, एक ही वेक्टर का उसी के साथ या एक ही फंक्शन का उसी के साथ जो होगा इनर प्रोडक्ट उसके नॉर्म का स्क्वायर होगा। करना कैसे है, ये कैसे डिफाइंड था, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और -1 to 1 इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 को इंटीग्रेट कर लें, 1/2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल होता है एक्स क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें माइनस द लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें ये कर लिया करें स्टेप ताकि मिस्टेक ना हो जाए, साइन की मिस्टेक ना हो जाए, साइन की गलती ना हो जाए। अगर गलती से आपने इसको 1 - 1 कर दिया 0, वो तो गलत हो जाएगा, आपने तो नॉर्म इसका 1 प्रूव करना है क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल होते हैं कि ऑर्थोगोनल हो और नॉर्म 1 हो। तो अपर लिमिट ये 1 बनती है माइनस, ये लोअर लिमिट -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो गया ऊपर 1 + 1 2 2/2 1। अब अंडर रूट ले लें क्योंकि नॉर्म आपके पास जो होता है, पहले आपको पता है इनर प्रोडक्ट स्पेस है, नॉर्म जो आपके पास होता है वो क्या होता है नॉन नेगेटिव, तो अंडर रूट आपने लेना है इसका पॉजिटिव अंडर रूट। तो इसका जब आप लेंगे पॉजिटिव अंडर रूट तो यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे ये लिखा है, ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, ये जो चीज थी आपके पास f(x) 1/√2 ही था, बेशक यहाँ पे आप f(x) नॉर्म स्क्वायर लिख लें, अंडर रूट लें तो यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 जो कि पॉजिटिव वाला है, तो ये देख लें ये कंप्लीट लिखा हुआ है मैंने, f(x) का नॉर्म इसका नॉर्म 1। ये मैं कहता हूँ मेरे लेंथी होते हैं लेक्चर्स, बेशक मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलता हूँ लेकिन कंसंट्रेट कर लिया करें तो कोई वजह नहीं कि ना समझ आए। तो ये आपके पास हो गया ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन ऑन -1 1, लेकिन डबल रीजन के ये ऑर्थोगोनल था, इसके साथ ये ऑर्थोगोनल भी था, इसके अलावा मतलब ये दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल थे, और ये वाला आपके देख लें फ्रॉम दिस वन एंड ये जो चीज, ये आपके पास हो गया ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन। इसी तरह से यहाँ पे देख लें इसका भी नॉर्म निकाला हुआ है, इसी फंक्शन को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि अंडर रूट 3/2 को अंडर रूट 3/2 से करें मल्टीप्लाई तो 3/2, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 3/2 को बाहर निकाल दें, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x³/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, x³/3 तो x³ आ जाएगा नीचे 2। अब अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट -1 का क्यूब, तो
माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन होता है, माइनस वन इज प्लस वन प्लस वन टू, टू पॉइंट टू वन। और यहां पे देख लिया मैंने कहा था पॉजिटिव एंड रूट लें, पॉजिटिव एंड रूट लेंगे तो ये हो गया। अब यहां से पता लगता है फ्रॉम वन एंड थ्री ये जो चीज आपके पास है ये ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है, ये भी ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है। और यहां पे बल्कि यूं कह लें, अगर ये कंफ्यूजन होती है तो मैं अब जुबानी बोलने लगा, मैंने क्योंकि ये अलग करके दिखाया, अलग ये वाला जो फंक्शन आपके पास है और ये वाला फंक्शन ये ऑर्थोगोनल है क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट जीरो, इन एडिशन दे आर ऑर्थोनॉर्मल क्योंकि इनका नॉर्म भी वन है। यहां पर देख लें, यहां भी नॉर्म वन प्रूव किया गया है और यहां भी प्रूव किया गया है। उम्मीद है कि आप समझ आ गया होगा, ना पता लगे दोबारा देख लीजिएगा। ये लेक्चर लेंथी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो एडवांस टॉपिक्स थोड़े और आ रहे हैं ग्राफ्स में टाइप, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये समझ आ रहा है तो उनको फॉलो करना या अंडरस्टैंड करना कोई मसला नहीं होगा। ये लें जी, कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछ लीजिएगा। ये लें जी, थैंक्स, और ये एंड हो गया। और जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको देख लें, अब साथ साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि अगली ग्रेडेड असाइनमेंट आने वाली है। तो ये आपका लेक्चर 8 एंड हुआ असल में, और दो पार्ट्स में एंड हुआ है, और दूसरा पार्ट अच्छा खासा लेंथी है, पहला भी लेंथी है। तो जितना आराम से कंसंट्रेशन से आप सुन सके उतना सुन के अंडरस्टैंड किया करें, बाकी बेशक बाद में सुन लिया करें लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 9 में। अल्लाह हाफिज़।